वुल्वरीन का मार्वल में फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब वो अब एमसीयू की किस मूवी में दिखाई देगा। वेल, डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के बाद ये वाला सवाल आप सबके मन में जरूर आया होगा। वेल, डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज हो चुकी है और मूवी को पूरी दुनिया से प्यार मिल रहा है और मूवी ये डिजर्व भी करती है क्योंकि मूवी का एक एक सेकंड आपको एंटरटेन करके जाएगा। मूवी एक सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं होने देगी और यही वजह है कि ये मूवी मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी बन चुकी है एवेंजर सीरीज छोड़कर। और मूवी में इतने सारे कैमियोज इसको एक मास्टरपीस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सब चीज के बावजूद तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अब वुल्वरीन के साथ आगे क्या होगा। वेल, जो मार्वल के न्यू फैंस हैं और जिन्होंने अभी सिर्फ एमसीयू की मूवीज देख रखी हैं उनके लिए शायद ये चीज इतने मायने ना रखे, पर जो मार्वल के पुराने फैंस हैं जिन्होंने एमसीयू की मूवीज देखी हैं उसके साथ साथ उससे पहले की मूवीज भी देखी हैं वो जानते हैं कि वुल्वरीन किस लेवल का कैरेक्टर है, मतलब वो एक लीजेंडरी कैरेक्टर है। और यही वजह थी कि मूवी के एंडिंग तक मार्वल के जो रियल फैंस हैं वो सारे सस्पेंस में थे, वो सारे डरे हुए थे कि वुल्वरीन के कैरेक्टर के साथ क्या होगा, क्या मार्वल इस मूवी के लास्ट में उस कैरेक्टर को खत्म कर देगा और या फिर उसका फ्यूचर बना देगा। वेल, एंड होते होते ये चीज कंफर्म करवा दी गई कि वुल्वरीन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है मार्वल ने, मतलब वुल्वरीन हमें फ्यूचर में दिखाई देगा। पर अब सवाल ये उठता है कि किस मूवी के साथ वुल्वरीन का कमबैक होगा, क्योंकि यार वुल्वरीन और डेडपूल ने इस मूवी में जो कांड किया है, मतलब उन्होंने अपने यूनिवर्स को जिस लेवल से बचाया है और टीवी वालों की जिस तरीके से उन्होंने मदद की है उस चीज से ये तो कंफर्म हो गया है कि अब वुल्वरीन एवेंजर 5 में नजर आएगा जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन दोनों मिलकर बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। उसके साथ साथ एक खबर कुछ दिनों पहले और आई थी कि इस मूवी में 60 से ज्यादा कैरेक्टर होने वाले हैं, तो इसलिए इस मूवी में अगर वुल्वरीन और डेडपूल दोनों दिखाई दें तो कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 60 से ज्यादा कैरेक्टर ऐसे ही तो पूरे किए जाने हैं। और वो मूवी भी वुल्वरीन की लास्ट मूवी नहीं होगी, उसके बाद वुल्वरीन की फिर वापसी होगी एवेंजर सीक्रेट वॉर में। उसके साथ साथ एक उम्मीद और भी है कि जब ये लीजेंडरी कैरेक्टर जब उस मूवी तक जा सकता है तो शायद ऐसा पॉसिबल हो जाए कि एक और लीजेंडरी कैरेक्टर है, तुम गेस कर लो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस सुपर हीरो के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसकी भी एंट्री हो जाए सीक्रेट वॉर में और उसकी भी चांसेस बहुत ज्यादा है। आए दिनों उसको लेकर बहुत सारे रूमर्स आते रहते हैं। अगर ये चीजें हो जाती है, मतलब टोनी स्टार्क बोले तो आयरन मैन अगर सीक्रेट वॉर में आ जाता है तो फिर दो लीजेंडरी कैरेक्टर बोले तो वुल्वरीन और आयरन मैन को देखने में क्या ही मजा आएगा, और इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना एक अलग लेवल होगा और ये चीज शायद फैंस को हमेशा ही याद रहेगी। वेल, ये तो एक पॉसिबिलिटी है जिसके होने के चांस 50-50 हैं, पर ये कन्फर्म है कि वुल्वरीन अभी आने वाले सालों में हमें और भी बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। तो देखो यार, हमें बहुत टाइम से इंतजार था कि मार्वल कब वापसी करेगा, साल दर साल हम यही इंतजार में गुजार रहे थे कि मार्वल की वापसी होगी वापसी होगी वापसी होगी, पर मार्वल उस हिसाब से कंटेंट नहीं दे रहा था जैसी हमने उम्मीदें की थी। फाइनली मार्वल ने अब वो कंटेंट दिया है और मार्वल ने बोल दिया है कि हम वही मार्वल हैं जिन्होंने एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज बनाई हैं और फैंस ने जितनी ज्यादा उम्मीदें की थी ये मूवी उन उम्मीदों से ज्यादा ही है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मूवी आने वाले टाइम में स्पाइडरमैन नो वे होम का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को रिकॉर्ड तोड़ दे। तो क्या आपने अभी तक ये मूवी देखी या फिर आप देखने का प्लान बना रहे हो? इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।